प्रणाम सर। सर इस पर कोरोना की काफ़ी गंभीर समस्या है, क्या इस बीच आप बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का संचालन करेंगे, बताइए तो जरा। देखिए परीक्षा में तो प्रिय छात्रों, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे थे कि बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का संचालन में क्या होगा, परीक्षा रद्द या सब होंगे पास, क्या एडमिट कार्ड में हुई है भारी गड़बड़ी वो होगा सुधार, तो इस पर लेकर वो हम डिस्कस कर रहे थे और आगे हम यहाँ पे जानकारी लेंगे और यहाँ पे बताएंगे आपको कि क्या इस बार आपका एग्जाम होगा या नहीं। अगर एग्जाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड का रद्द होने की बात जो हुआ था बिल्कुल तरह से वो बात गलत था, ऐसी संभावना बताया जा रहा था, लेकिन ये इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर भी आपको एग्जाम में एंट्री मिलेगा, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड में आपका फोटो नहीं मिल सकता है। इस प्रकार के अगर प्रॉब्लम आपके साथ आता है, अगर आपके एडमिट कार्ड पर ये प्रॉब्लम है तो भी आप इस बार के बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आपको साथ में क्या रखना होगा जिससे आपको एंट्री मिल पाएगा, और आपका एग्जाम इंटर की बात करें तो आपको 1 फरवरी से बिल्कुल तरह से संचालन होगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगा, अभी के रिपोर्ट के अनुसार ये मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे आपका मैट्रिक एग्जाम के बारे में, तो मैट्रिक एग्जाम जो 17 से 24 फरवरी के बीच जो होने वाला है उसके लिए अभी बिहार बोर्ड किसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर नहीं दिए हैं, और उनका एडमिट कार्ड भी अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, काफी इसमें प्रॉब्लम है, और ये स्कूल से आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इंटर का एडमिट कार्ड आपको स्कूल में प्राप्त हो जाएगा, डाउनलोड शुरू हो रहा हुआ था लेकिन आपका वो भी लिंक क्रैश हो चुका है, और बिहार बोर्ड अभी कोरोना काल को लेकर उस लिंक को अपनी वेबसाइट को बिल्कुल तरह से अभी स्टॉप रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा होगा। तो आशा करते हैं कि हमने कई वीडियो में इस पर चर्चा किए थे, साथ ही आपको कुछ वीडियो में हमने बताए थे परीक्षा रद्द के लेकर, तो परीक्षा आपका बिल्कुल तरह से रद्द नहीं किया जाएगा, इसमें डेट थोड़ा आपको पोस्टपोन किया जाएगा, डेट थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ऐसी संभावना बताया जा रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि 2019 के एग्जाम के तहत आपका एग्जाम का डेट एग्जाम के एडमिट कार्ड पर रहने के बावजूद भी आपका डेट बढ़ाया दिया गया था, इसी प्रकार इस बार भी हो सकता है, कोरोना का काफी गंभीर समस्या अगर बना रहा है तो आपके एडमिट कार्ड पर जो डेट रहेगा उसके बाद भी स्कूल या फिर उस सेंटर के हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। साथ ही मैं बात करूंगा कि एग्जाम इस बार लिया जाएगा, कोरोना काल में बिहार बोर्ड एक ऐप लॉन्च किया है जिसको कहते हैं एग्जाम ऐप, इस ऐप के माध्यम से आपका एग्जाम होगा, जिसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगा, और इस तरह से आपका एग्जाम बिल्कुल सही समय से संचालित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या क्या गलती रहेगा तो एंट्री मिलेगा और उसमें क्या ले जाना पड़ेगा, हम डिटेल्स में आगे बात करते हैं, इस वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आगे रूप से देख रहे हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं कैसे और कब होगी परीक्षा, तो इसके लेकर बिहार बोर्ड की ओर से यहाँ पे बताया गया, कोरोना के कारण कहीं एक बार फिर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा तो नहीं टाली जा चल जाएगी, कहीं फिर औसत अंक देकर पास तो नहीं कर दिया जाएगा, क्या समय पर बोर्ड परीक्षा लिया जाएगा, ये तमाम सवाल 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को ये जो है मनोदर्पण टेली काउंसलिंग में कर रहे हैं, यानी वो सब जो है डेली बिहार बोर्ड से बातचीत करते हैं, अभिभावक कई फोन अभिभावक का जाता है, तो इस तरह की जानकारी यहाँ से आपको देख रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं छात्र, कोरोना के संक्रमण कारण क्या एवरेज अंक देकर पास किया जाएंगे, क्या ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन होगी परीक्षा, टर्म फर्स्ट जारी नहीं हो रिजल्ट, कोरोना संक्रमण अधिक रहे तो टर्म टू परीक्षा की ऑनलाइन लिया जाएगा, बोर्ड द्वारा टेली काउंसलिंग में चलाए जा रहे छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न 2 प्रश्न को लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए थे किस प्रकार से यहाँ पे होता है। साथ ही यहाँ पर ही आपकी सवाल विद्यार्थियों का खत्म नहीं होता, प्रवेश पत्र में ऋतु हो तो आधार वोटर कार्ड से मिलेगी प्रवेश पत्र, स्पष्ट रूप से हमने पीछे आपको बताया और यहाँ पर भी आप लोग को देख रहे हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड में ऋतु है, अगर आपके फोटो यहाँ से नहीं मिलता है तो भी आपको एंट्री मिलेगा, जबकि पता बता दें कि इससे पिछले में जितना भी एग्जाम होता था अगर आपका फोटो सही से नहीं मिलता है तो आपको दूसरी जगह विद्यार्थी के जिस दूसरे स्थान पर एग्जाम देने के करार दे करके आप पर कार्रवाई करके बच्चे को जेल भी भेजा जाता था और निकाल दिया जाता, लेकिन इस बार देखिए बहुत अच्छा नियम है कि प्रवेश पत्र पर फोटो में किसी तरह की ऋतु होगी तो उन्हें परेशानी न होने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसके बाद भी केंद्र पर प्रवेश मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको साथ में वोटर आईडी, यहाँ पे आपको क्या क्या रखना होगा वो देखिए, आपको या तो आधार कार्ड रखिए या वोटर आई कार्ड रखिए या बैंक पासबुक या पैन कार्ड आदि, यानी कोई भी चीज़ एक आपको प्रूफ लेकर जाना है, तो याद रखिएगा कोई भी प्रूफ आपके एग्जाम में जरूर लेकर जाएगा। साथ ही जाकर एडमिट कार्ड का करेक्शन के लिए लिंग माध्यम संबंधित छात्र का रोल कर और रोल नंबर से सिलेक्ट कर उनका फोटो सहित बोर्ड को भेजा जाएगा, यानी आपको वहाँ से जो कॉपी होगा उस पर भी आपका नाम पता सारा चीज रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो भी छात्र इंटर में अभी तक जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है उन छात्रों को यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा उनको एक मौका दिया गया कि 22 जनवरी तक वो अपना सूचीकरण यानी रजिस्ट्रेशन फी और आवेदन फॉर्म भरने का फी अगर जमा नहीं किया है इसी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्लास 10 के छात्रों के साथ में यही प्रॉब्लम है, तो वो 22 जनवरी तक अपना जमा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए इतना बच्चा का यहाँ पे रोल कॉड के साथ यहाँ पर दिया गया है, बहुत काफ़ी है। तो आगे हम जो देखते हैं यहाँ पर अगला जानकारी जो है आपको इंटरमीडिएट परीक्षाओं के केंद्र पर मोबाइल ऐप से ली जाएगी परीक्षा, हमने पहले जानकारी दी थी मोबाइल ऐप से लिया जाएगा, इस ऐप से ये कमाल होगा कि एग्जाम संपन्न पूरा होते हैं कितने छात्र पकड़ाए कितने छात्र चोरी किए क्या किए नहीं किए उन सारी जानकारी बिहार बोर्ड को तुरंत भेजा जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको सारे
सारी जानकारी मिल गया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल डिटेल्स के साथ सारी चीज को वखान करके मैं आपको जानकारी देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।